नमस्कार दगड़ियों, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं गोपाल कांडवाल स्कूल दगड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो कई दिनों के बाद मेरा आ रहा है ब्लॉग। तो मैं जो टूर में गया था वो ब्लॉग मैंने लेट में डाला क्योंकि मेरी थी तबीयत ख़राब। तो आज थोड़ी तबीयत बेटर है, तो तबीयत ठीक थोड़ी बहुत ठीक थी, तो एडिटिंग की मैंने ब्लॉग की, तो मैंने कल डाला था अपना ब्लॉग शाम को। तो कल शाम को डाला था अपना ब्लॉग मैंने टूर का। तो मैं कुछ दिन से मैं पहले से आपको ब्लॉग दे नहीं पा रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी। मैंने सोचा कि आज मैं अपना ब्लॉग भी बना ले रहा हूँ। मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ, तो मौसम की बात की जाए तो मौसम भी ठीक ठाक ही है। तो अब ना हमारा वहाँ पाला गिर रहा है, ना कोहरा लग रहा है, सब ठीक ठाक है। तो अब मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ। मेरी बहनें भी चली चुकी हैं और मेरे दोस्त भी चले गए हैं। तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, कोई नहीं है रास्ते में, आप देख सकते हैं मैं अकेला, पूरा अकेला हूँ। पूरे स्कूल तक अकेला जाना है मुझे। तो हम क्रिकेट खेलने हैं, तो मैं कुल्लू में पहुँच चुका हूँ। वहाँ पर जहाँ पर क्रिकेट खेलते थे हम, वहाँ पर कुल्लू में पहुँच चुका हूँ। तो हमने जहाँ पर झाड़ियाँ हुई थी उसमें आग लगा रखी है। तो मैं अपने ग्राउंड का आपको थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। और इधर का ये देखिए, ये जो झाड़ियाँ हैं जिनमें हमने आग लगाई थी, जिससे हमारी बॉल मतलब जो थी ना वो अटक जा रही थी इन पर। तो हमने जहाँ जहाँ पर झाड़ियाँ हुई थी ज़्यादा ही वाली, तो हमने वहाँ पर आग लगा दी। तो देख सकते हैं आप अभी का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है। तो रास्ते में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। मैं आपको बता रहा था अकेले हूँ, देखिए साहब सूरज भी निकल चुका है, तो देवता की कृपा भी हम पे आप आजकल हुई जा रही है। तो फरवरी का मंथ है, देखिए कार इस प्रकार का है हमारे स्कूल पे जाने का रास्ता। तो आप भी आप ग्राउंड देख सकते हैं। तो आजकल हम खेलते रह रहे हैं, तो मेरी तो तबीयत दो तीन दिन से ख़राब थी, तो मैं तो आ नहीं पा रहा हूँ, बाकी दोस्त लोग आ रहे हैं। तो ग्राउंड कुछ इस प्रकार का हो गया, पहले एकदम मतलब खेल नहीं रही थी तो अजीब सा हो रहा था। तो आप ठीक ठाक है, तो ये देखिए काफ़ी कुछ ऐसा। आप दौड़े बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है कसम से, जो है ना फिर भी मतलब स्कूल जाना है तो इसलिए मैं चले जा रहा हूँ स्कूल। यार घर में जो है ना, घर में भी मेरा मन लगता नहीं है कसम से, रियलिटी बात है। क्योंकि अरे स्कूल जाओ तो थोड़ा बहुत टाइम भी बता लगता है, और स्कूल जाके बहुत कुछ सीखने भी को भी मिलता है, चाहे एक पीरियड लगे दो पीरियड लगे जो भी, स्कूल जाकर बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जो घर में क्या होता है, बस सो, तबीयत ख़राब है तो सो। तो वहाँ स्कूल में जाके थोड़ा माहौल देख कर जो भी तबीयत ठीक ठाक हो जाती है, बेटर मतलब फील होता है। तो कल मैं दिखाने गया था तो दवाइयाँ मिली हैं, तो कल शाम से ही कोर्स चल रहा है दवाइयों का। चावल नहीं खाने बिल्कुल भी नहीं, तो एक हफ्ते तक चावल नहीं खाने, समझ में नहीं आया, मैं तो चावल के बिना रह नहीं पाता हूँ। तो एक हफ्ते तक चावल नहीं खाने, तो अब एक हफ्ते तक फिर से बिना चावल के रहना पड़ेगा मुझे। तो अभी तो मैं कुल्लू में ही पहुँचा हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। ये एक गधेरा है कुल्लू का हमारा, तो ये पुल है, तो यहाँ से होते हुए निकलते हैं। तो आजकल जो कुल्लू की झाड़ियाँ हैं कुछ कुछ तो सूख रही हैं, मतलब सूखी ज़्यादा तक ना जो सूख चुकी हैं, और कहीं कहीं पर हरियाली भरी है, बस ज़्यादा तक जो झाड़ियाँ हैं वो सूख चुकी हैं। तो रास्ते की तो हमारी झाड़ियाँ काट रखी हैं, ये देखिए जो रास्ते में है ना बच्चों के लिए रास्ते झाड़ी। अब तो ये गधेरे के साइड पर इनको कैसे काटा जाए, तो ये नहीं काटे हैं। तो इतनी चढ़ाई चढ़ते हुए पहले मैं घर से आता हूँ, तो एकदम डाउन, फिर चढ़ाई यहाँ से कुल्लू के ऊपर को चढ़ाई, फिर यहाँ से सैंस तक की पूरा सीधा रास्ता है, तो फिर वहाँ से डाउन गधेरे तक डाउन, फिर उसके बाद चढ़ाई, इस प्रकार का रास्ता है हमारे। पर बहुत थकान, पूरा 14 किलोमीटर आने जाने करना पड़ता है हमको स्कूल के लिए। कोई भी नज़दीक में मतलब हमारा स्कूल है तो एक बेड़गांव है, तो वो भी उतना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पहले से है ना तो उस साइड पर कोई नहीं जाता है। तो जो ट्रैंगल है पहले से, जो हमारे दद्दा लोग, भैया लोग थे, दीदी लोग, सभी लोग इसी तरफ को आते थे, रेंगल की तरफ को। तो भीड़ गाँव भी हमारा एक नज़दीक विद्यालय है, नज़दीक विद्यालय है, तो हमको कोई नहीं जाता है, फिर हमको इसी रास्ते से निकलना पड़ता है। रेंगल ही जाते हैं सभी लोग पहले से ही लोग, तो हम भी यहीं जाते हैं। तो फिर हम यहाँ से, मेरा गांव दिख रहा है थोड़ा, तो देख सकते हैं आप सामने मेरा गाँव, ये देखिए। और यहाँ का कुछ व्यू नज़ारा ऐसा है इस रास्ता, ये एक टिकोड़ी ऐसी तबीयत ख़राब है और लेट भी हो चुकी है, तो दौड़ते दौड़ते जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी ताकत नहीं आ रही है। देखिए रास्ता और सामने वाले साथ दिख तो रही है, मेरे
गांव की लड़कियां, तो वो मेरे से बहुत दूर है, पूरा 1 किलोमीटर, क्योंकि जो यहाँ से बैंड है ना, तो यहाँ से होते हुए वो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है, वहाँ तक पूरा 1.5 किलोमीटर होगा जाना है। तो पहले हमने, और आपको वहाँ दिख भी नहीं पा रहा होगा क्योंकि वहाँ पर एकदम छाव है और कुछ दिख भी नहीं पा रहा होगा, खाली आपको वहाँ पर काला काला दिख रहा होगा। देखो, एक तो अच्छी बात ये हो गई है, पूरे रास्ते में मुझे अकेले जाना ही था, तो सामने से एक सपोर्ट मिल चुका है कि मेरी बहनें या जो भी हैं मेरे गांव की लड़कियां, सब मेरी बहनी हुई, तो वो दिख चुकी हैं सामने से। एक सहारा टाइप का हो गया कि ना, मैं अकेले नहीं हूँ, सामने से कोई जा भी रहा है। ठीक है, तो अगर स्कूल में कुछ ऐसा माहौल बना ना कि मैं आपको वहाँ का ब्लॉग दिखा पाऊँ, तो अगर मेरे स्कूल में कुछ माहौल ऐसा बना कि मैं वहाँ का ब्लॉग बना पाऊँ स्कूल में, मैं स्कूल में ब्लॉग बनाऊंगा। पूरा रास्ता दौड़कर क्लियर करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं पहुंच चुका स्कूल में, तो अब यहाँ हो रहा है प्रोग्राम, तो हो रही है सरस्वती वंदना, तो मैं आपको वो परिवार की ओर से, अपने SMC की ओर से और PTA की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। GIC शालीधार के जो प्रिंसिपल सर हैं, मतलब सर ने अप्रॉक्सीमेटली 7 या 8 लोगों को हमारी तरह बुलाया हुआ था जो कैरियर अपॉर्चुनिटी को लेकर बच्चों से बात कर रहे थे। किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं? स्वावलंबन, यानी कि अपने कैरियर को ऐसा स्थापित करो कि हम स्वावलंबी बने। और हमारे इस पहाड़ की जो सबसे बड़ी जो दुर्दशा है, उसका सबसे बेसिक चीज़ क्या है, तो आजकल हर वीडियो पे चलती रहती है, हर पहाड़ी व्यक्ति, हर जो भी हमारी NGOs हैं, जो हमारी सरकार है, वो एक चीज को बड़ा फोकस कर रही है, वो है पलायन, है ना। पलायन के बारे में सब बात कर रहे हैं, पलायन क्यों हो रहा है, अभी क्या स्थिति है कि हमारे देश में इस समय पढ़ाई का जो स्तर है, मतलब हम लोगों को लगभग अब इस फील्ड में आए 10-12 साल होने जा रहे हैं, आप लोगों से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जितनी अच्छी व्यवस्थाएं पढ़ाई की इस समय विद्यालय में है, आप देख रहे हो ना TV, एक एक विद्यालय में 8-10 TV हैं, प्रोजेक्टर्स मिल गए हैं, जिन चीजों के लिए हमको कभी चार्ट बनाना पड़ता था वो आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। उस दिन NASA का वैज्ञानिक सीधे अमेरिका से बैठ के शालीधार के बच्चों से ऐसे बात कर रहा था।
पढ़ना चाहिए। हम जिस देश में रह रहे हैं, हमारे साथ आने वाला समय जो है ना, वो हमारा भी और हमारे बच्चों का भी भविष्य बहुत ही ज्यादा जो है वो मुश्किल होने वाला है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है अभी एक चीज पर फोकस नहीं कर रही है जिसके लिए हम सभी को तैयार रहना है, और वो फोकस है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या पे। कैरियर के मामले में आपका क्या था? कोरोना भी हम लोगों ने बहुत लोगों को खोया है और हमारी स्वास्थ्य का उस समय स्थिति बदतर थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट का पूरा फोकस हो गया है कि कैसे हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या को बढ़ाएं, कैसे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मौजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कैसे दी बेस्ट कंडीशन में पहुंचाएं। फाइनली मैं आ चुका हूँ घर। घर आने के बाद खाना पीना भी कर ले लिया, तो तबीयत खराब ही, रोटी सब्जी खानी पड़ी थी, तो वही किया, सुबह भी वही किया था, अभी यही किया और शाम को भी रोटी सब्जी खाऊंगा। आज जो हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुए थे तो वो था करियर काउंसलिंग के बारे में, तो पहले हमारे करियर काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद फिर गर्ल्स के बारे में पता नहीं क्या था, तो गर्ल्स प्रोग्राम भी था वहाँ पर, कुछ गर्ल्स के लिए स्पेशली गर्ल्स के लिए तो प्रोग्राम भी था वहाँ पर। तो अभी आप कभी का व्यू देख सकते हैं कि कैसा है, वो तो अभी दिखाते हैं आपको अभी का व्यू। तो सामने से सूरज डूब रहा है, ये देखिए अब सूरज जो है यहाँ से डूबने गया है, 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो ये देखिए अभी का व्यू कुछ ऐसा है। तो मैं आ रहा हूँ छत पे, खेतों में बारिश, 2 बार हो चुकी बारिश, तो खेतों भी हरियाली है देखिए। देख सकते हैं सामने पे सेंस का गांव।